तन्वी सूद। मगर भंडारकर की फिल्म फैशन में कंगना और प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक्टिंग का जादू कुछ ऐसा चलाया था कि हर कोई बस देखता ही रह गया था। इस फिल्म के बाद प्रियंका और मधुर ने एक बार फिर हाथ मिलाने की सोची थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल 2008 में जब फैशन आई थी तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई की ही थी, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया था। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर मधुर की जमकर तारीफ होने लगी थी, जिसे वो पचा नहीं पाए। जी हाँ, और प्रियंका को छोड़ वो बड़े सितारों को तवज्जो देने लगे। फैशन के बाद मधुर को लगा कि उनकी करीना स्टारर फिल्म हीरोइन भी वही धमाल करेगी जो फैशन कर चुकी है, लेकिन ये फिल्म औंधे मुंह जा गिरी थी। उसके बाद उनकी फिल्म दिल तो बच्चा है जी, कैलेंडर गर्ल्स और इंदु सरकार सब लाइन से फ्लॉप रही। लेकिन लगता है अब मधुर को इस बात का एहसास हो गया है कि प्रियंका के बिना उनका कुछ नहीं होने वाला। जहां एक बार मधुर भंडारकर ने प्रियंका को इग्नोर मार दिया था, वहीं आज की डेट में वो उन्हें बार बार मैसेजेस करते हैं, प्रियंका से मिलने की कोशिश करते हैं। सोर्सेस के मुताबिक प्रियंका ने मधुर को दो बार मिलने का वक्त भी दिया, और जब मधुर उनके दरवाजे तक पहुंचे तो उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि मैडम अभी बिजी हैं। मधुर ने प्रियंका के गेट पर घंटों अपनी कार में बैठकर इंतजार भी किया, लेकिन प्रियंका ने अब उनके संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया है। वैसे स्टोरी देखने के बाद आपको एक कहावत जरूर याद आएगी, जैसी करनी वैसी भरनी। वेल, आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।